हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत समय बाद मैं शाम की क्लास में आया हूँ, लाइव आया हूँ। जनरली हम लाइव क्लास मतलब यहाँ पे शाम की क्लास लिया करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन छोड़ के हो सकता है, 2 दिन छोड़ के हो सकता है, हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस ये है जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइव बैचेस जो है मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। जीए लाइव सिलेक्शन बैच, उसके अंतर्गत भी जो है मेरी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। सो टाइम नहीं मिल पाता, बट कोशिश करूंगा शाम को इस टाइम क्लास लेने की। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपको पता है कि क्लियर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको एक ही क्लास में हम कवर करेंगे और खत्म करेंगे इसको टॉपिक को। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण टॉपिक जो टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर, नमस्कार 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 जी, नमस्कार सबको, नमस्कार और गुड इवनिंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। तो ये है हमारा टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है और जनरली जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सिविलाइजेशन वर्ड, सभ्यता वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई खाली प्लेस है और कोई भूले भटक के एक पर्सन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर कुछ लोग जो है वहां पे रहने लग गए। जैसे ही कुछ लोग रहने लगे, फिर उन्होंने आपस में शादियां कर ली, आपस में शादियां कर ली, बच्चे पैदा हो गए। तो एट द एंड जो है वहां पे जो है दो चार लोगों से करते करते शहर बन गए और शहर शहरों के शहर बन गए। तो दैट मीन्स वो क्या बन गया आपका, दैट इज इंडस, दैट मीन्स सिविलाइजेशन बन गई। और इस चीज को जो इंडस रिवर के किनारे पे जो इस तरीके के लोग इकट्ठे हुए थे, तो वो जो लोग थे दैट इज द इंडस वैली पीपल। पॉइंट समझ आया? जी, एक दो बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डेड है, पता नहीं क्या बकवासबाजी चलती रहती है इनको। इनको टॉपिक पढ़ने से मतलब नहीं है, इनको ये मतलब रहता है हमेशा ये रिकॉर्डेड है, ये लाइव है, ये ऐसा है, वो वैसा है, पता नहीं क्या है। नॉलेज लेनी है ना तुम लोगों ने, हैं? पता नहीं क्या तुम बात करते रहते हो यहाँ पे। सर ऐसा है, सर वैसा है, सर अच्छे लग रहे हैं, सर बुरे लग रहे हैं, सर ने डांट दिया, सर सर हंस पड़े, सर ये हो गया, सर वो हो गया। लेकिन बात ये नहीं देखनी कि हाँ पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है? चलो पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक में और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं जिस तरीके से आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ही अगर आप लोग जो है मेरे साथ टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन चाहते हैं और डेली डिस्कशन चाहते हैं, और आप इसके लिए मेरा पेड बैच ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच। इसके अंतर्गत जो है हम टॉपिक वाइज चीजें स्टडी कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को, क्लियर। और ये जो है 7 बजे शाम को रोज क्लास होती है, तो इस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने चाहते हैं। और अगर आप लोग एमसीक्यू की फॉर्म में करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, टॉपिक आपको आते हैं या ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, तो आप सीधा जो है 10,000 एमसीक्यू कोर्स आप ले सकते हैं। जो भी इसमें गिवन कूपन कोड होगा उसको लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं, क्लियर। और इस बैच को लेने के लिए आपको स्टडी आईक्यू की ऐप और वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेबसाइट जा सकते हैं, जा ऐप पे जा सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव वर्ड। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला तो आपको इस तरीके से कोर्स नजर आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच। इसको क्लिक करना और अपना परचेज कर सकते हैं कोर्स इसको। अगर आप एमसीक्यू पाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च करना 10,000। जैसे आपने 10,000 क्लिक किया करेंगे यहाँ पे डालेंगे तो आपको ऐसे कोर्स नजर आ जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हुआ कि यहां से समझ नहीं आ रहा तो आप सीधा बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना, व्यू ऑल करना, तब भी ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा, क्लियर।
बाकी जितने भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, लेक्चर, सारी चीजें वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट्स कर देता हूं मैं यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई पेपर हो, डाउट्स हो, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, चलिए बढ़िए बढ़े आगे। चलिए जी, प्लीज एक वर्ड बोलना चाहूंगा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि टॉपिक पढ़ाने में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बच्चा है यहाँ पे, जो भी बच्चा है वो कह रहा है कि सर आप कभी रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, जिसको वो लिख रहा है वो भी कभी रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो इंडस रिवर के किनारे पे, जो सिंधु रिवर के किनारे पे जो है, सिंधु रिवर के किनारे पे जो है, जो हमारी सिविलाइजेशन हुई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहां से लोग आए, वहां से लोग आए, इकट्ठे हुए और एक सिविलाइजेशन की तरफ भाग गए, मतलब सिविलाइजेशन की तरफ आ गए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मैं बात करूं नॉर्थ मोस्ट साइड की, जो नॉर्थ साइड है वो आपकी इंडस रिवर है, और साउथ साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपकी जो है सरस्वती रिवर देखने को आपको मिलती है। क्लियर, सो यहां पे ये वाला पार्ट आपको देखना है। सो दीज आर द साइट्स जो है आपको देखने को मिलती है। सो अगर मैं बात करूं ऊपर जो है आपकी इंडस रिवर चल रही है और यहां पे आपकी सरस्वती रिवर है, इंडस सरस्वती के बीच में जो भी सिविलाइजेशन हुई, जो भी तरीके के लोग रहे, उसे हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनका धर्म क्या था, किस तरीके के ये लोग थे, किस तरीके की जो है यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिली, और चीजें किस तरीके की यूज हुई, घर कैसे थे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो एग्जामिनर मेनली एग्जाम में पूछ लेता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे, अब आ जाओ लेक्चर की तरफ आ जाओ। देखिये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एक सेकंड के, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहां से इंडस रिवर है और यहां से नीचे क्या है आपकी सरस्वती रिवर, इसके बीच में जो सिविलाइजेशन हो रही है उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं नॉर्थ मोस्ट साइड की बात करता हूं तो वो कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है आपका, और ईस्टर्न मोस्ट साइड की अगर मैं बात करता हूं, ईस्टर्न मोस्ट दैट इज आपका यहां पे यूपी वाला हिस्सा आ जाता है, और अगर मैं साउथ साइड की बात करता हूं, यहां पे जो साउथ साइड की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथ साइड जो है आपका गुजरात और थोड़ा सा नॉर्थ महाराष्ट्र वाला पार्ट आ जाता है, और इधर ईस्टर्न मोस्ट के, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट की बात करता हूं तो दैट इज अ बलूचिस्तान वाला इलाका देखने को हमें मिलता है। सो यहां यहां तक जो है आपकी सिविलाइजेशन हुई हुई है, दैट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, और यहां पे सबसे पहली जो साइट डिस्कवर करी गई थी वो करी गई थी हड़प्पा, हड़प्पा डिस्कवर करी गई, फिर उसके बाद जो है आपकी मोहनजोदारो जो है हमने डिस्कवर करी थी यहां पे साइट। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और यहां के जो लोग हैं बिजनेस करते थे, और बिजनेस किस तरीके के करते थे, दैट मींस ट्रेड कर रहे हैं बाहर के लोगों के साथ, दैट इज मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया जो है आपका, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, इराक के नाम से हम जानते हैं, पर्शियन पीपल्स के साथ जो है ये ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज जिसे हम आजकल ईरान के नाम से जानते हैं। सो दैट मींस जब इस तरीके का ये ट्रेड हो रहा है, जब इस तरीके का ट्रेड हो रहा है, तो दैट मींस ये पीपल, ये लोग जो हैं, वो किस तरीके के लोग हैं, शहरी वाले लोग देखने को हमें मिल रहे हैं, तो दैट मींस दिस इज ए अर्बन सिविलाइजेशन। क्लियर, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी देखने को आपको मिली है। जैसे कि अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे हैं, तो इट मींस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे चीज क्या मिली हमें, सील्स देखने को हमें मिली। सील्स का मतलब क्या है, जैसे कि साबुन, साबुन लगा लो, साबुन का टुकड़ा, साबुन को छोटा, बड़ी साबुन है उसको तोड़ दो बीच में से, तो मतलब एक स्क्वायर बना लो, जैसे रेक्टेंगुलर बना लो कुछ भी, तो इतने इस मतलब सील जो है इस तरीके का, ऐसे सील होती थी, जैसे गले में भी वो पहन लेते ना, एमुलेट्स पहन लेते हैं जो मतलब कहते हैं कि मतलब कोई बाहर से कोई चीज आपके ऊपर असर ना कर सके टाइप ऑफ, तो वो एक सील्स, वो उस टाइप की सील होती थी। वो सील जो है एक ट्रेड और कमर्स के लिए आपकी यूज करी जाती थी, और यहां पे जो मेन सील्स यूज करी जाती थी वो यूज करी जाती थी स्टेटाइट की,
स्टेटाइट की सील्स यूज करी जाती थी मेनली, और दूसरी जो करी जाती थी टेराकोटा की। स्टेटाइट नॉर्मल मैक्सिमम होती थी, लेकिन टेराकोटा की भी यूज करी जाती थी यहां पे सील्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, क्लियर। अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी जी ने। और मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था? रखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी जी ने किया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं हम यहां पे, तो इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या हो गया? कांस्य युग। कांस्य युग दैट मींस यहां पे कॉपर प्लस टिन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना। अब बात यहां पे ये भी आ जाती है, अच्छा ये बताओ सबसे पहली मेटल कौन सी डिस्कवर करी गई थी? तो सबसे पहले मेटल जो डिस्कवर करी गई थी दैट वाज कॉपर। कॉपर डिस्कवर करी गई थी एट द टाइम ऑफ चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज में जो है सबसे पहले कॉपर डिस्कवर करी गई थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? और इस सिविलाइजेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या हो गया? प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? कि हमें चीजें लिखित में मिली हैं, हमें चीजें लिखित में मिली हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि यहां पे जो लैंग्वेज यूज हो रही है, पहली राइट टू लेफ्ट यूज हो रही है, दूसरी लेफ्ट टू राइट यूज हो रही है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। इसीलिए हम कहते कैसे हैं, हम इस सिविलाइजेशन को पढ़ते कैसे हैं? पिक्चर से। हम इस सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ते हैं? पिक्चर से पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इसको कह देते हैं पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक इसको हम कह देते हैं। क्लियर हो गया? और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम चीजें जो पढ़ रहे हैं, लाइनें हमें पता है राइट टू लेफ्ट जा रही है, दूसरी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से चीजें जा रही हैं। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि यहां पे जो लैंग्वेज यूज करी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफिडोन। जो स्क्रिप्ट यूज करी जाती है बोस्ट्रोफिडोन। बोस्ट्रोफिडोन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक लाइन राइट टू लेफ्ट, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से यूज करी जा रही है यहां पे। ठीक है? सो इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अगेन आपसे पेपर में यह पूछा जा सकता है कि जब हमारे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के चलते चलते हमारी कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन कौन सी थी? मतलब जब इंडिया सिविलाइज हो रहा था तो बाकी जगह के ऊपर कहां कहां पे सिविलाइजेशन चल रही थी? तो तीन जगह के ऊपर सिविलाइजेशन चल रही थी, चाइना, इजिप्ट और मिसोपोटामिया। ये आपको याद रखना है, चाइना, इजिप्ट और मिसोपोटामिया में सिविलाइजेशन जो है आपकी चल रही थी। यहां पे कंटेम्पररी सिविलाइजेशन आपकी देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे। तो यहां पे जो घर हैं वो इस तरीके के यूज हुए हुए हैं, जो ये घर हैं। अब एक चीज बताओ, ये आपको देख के पिक्चर कैसे लग रहा है? तो ये क्या है पेपर? ये लोग जो हैं किस तरीके के लोग हैं? अर्बन सिविलाइजेशन की तरह लोग लग रहे हैं। अब एक चीज बताओ, घर के आगे दूसरा घर, मतलब गेट के आगे दूसरा घर, दैट मींस जैसे आज हमारा घर है वैसे ही बना हुआ ना? ये गलियां बनी हुई हैं, स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, ये स्ट्रीट ऐसे कट रही हैं, तो मतलब घर के सामने घर। ये जो घर बने हुए हैं या तो रेक्टेंगल शेप के हैं या फिर स्क्वायर शेप के देखने को हमें मिल रहे हैं। लेकिन शहर जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता था। ये देखिए जी, अपर ये सिटैडल कहते हैं इसको, सिटैडल कहते हैं, ठीक है? ये अपर सिटैडल है और ये आपका नीचे वाला जो हिस्सा है ये लोअर सिटैडल देखने को हमें मिलता है। अब अपर सिटैडल और लोअर सिटैडल में डिफरेंस क्या आता है? अपर सिटैडल जो है जहां पे, ये देखो, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आती थी, जहां पे जो लोग हैं बड़े लोग रह रहे हैं, राजा महाराजा रह रहे हैं और ये लोग रह रहे हैं। क्लियर? तो मतलब हाई क्लास ऊपर वाली क्लास में, ऊपर वाले सिटैडल में रहती है, और जो लोअर क्लास है आपकी, दैट इज लोअर सिटैडल में, दैट इज लोअर क्लास नहीं कहूंगा मैं, आम लोगों की बात करूंगा मैं यहां पे, और मर्चेंट्स की बात करूंगा, बिजनेसमैन जो होते हैं वो सारे लोअर सिटैडल में देखने को हमें मिल रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही, क्लियर। सिटैडल देखने को हमें मिल रहा है यहां पे। तो दैट मींस हम ऐसे भी कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अपर साइड पे हो रही है और लोअर साइड के ऊपर जो है लोगों के, आम लोगों के नॉर्मल घर देखने को हमें मिल रहे हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे जो है आपकी सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है वो क्या देखने को मिली है? जस्ट ए सेकेंड, आपको पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपको पता लग जाए। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब यहां पे जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है, और वो मिली है हमें ग्रेट ग्रीनरी। ग्रेट ग्रीनरी का मतलब क्या होता है?
ग्रेट ग्रीनरी का मतलब यह है जहां पे अन्न के भंडार हैं, बहुत ज्यादा अन्न के भंडार बने हुए हैं। ये ग्रेट ग्रीनरी हमें देखने को मिली है कहां पे? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट, क्लियर, सबसे बड़ी साइट है ग्रेट ग्रीनरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो देखने को मिली हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में दूसरी सबसे बड़ी साइट क्या है? ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ क्या है? व्हाट इज दिस ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ में क्या होता था, जितने भी लोग रहते थे वहां पे रिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे वो यहां पे करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कहूं कि जैसे हम जाते हैं ना कि हम कहते हैं कि हम स्नान करके आए हैं उस तीर्थ स्थान पे, जहां हम कहते हैं कि पाप धो के आए हैं अपने तीर्थ स्थान पे, टाइप ऑफ वो जो चीजें होती हैं वो ग्रेट बाथ का रोल प्ले करती थी वहां पे। अगेन दिस इज ऑल्सो इन द दैट इज इन दिस इज ऑल्सो इन द मोहनजोदड़ो। दोनों चीजें हमें मोहनजोदड़ो में देखने को हमें मिल रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे घर हैं या तो रिक्टेंगल स्क्वायर शेप के हैं या रिक्टेंगल शेप के हैं, और ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये पैटर्न कौन सा होता है? ग्रिड सिस्टम हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम इसको? ग्रिड सिस्टम। क्लियर हो गया आप लोगों को? ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है पूरा पूरा जो शहर है, स्क्वायर रिक्टेंगल, घर के बाहर घर, इस तरीके से देखने को हमें मिल रहा है। और यहां पे जो इसमें मिट्टी यूज हो रही है, यानी कि ईंटें यूज हो रही हैं, वो आपकी यूज हो रही है बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि जली हुई ईंटें। दैट मींस जैसे आज हम बनाते हैं घर, तो वहां पे जो ब्रिक्स यूज करते हैं हम, दैट इज अ बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि मतलब पक्की ईंटें, क्लियर, वो इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी समझ आया? हाँ, अब बात यहां पे ये है कि यहां पे मैंने आपको बता दिया रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस भी होगी, घर का सिस्टम बता दिया आपको, ग्रिड सिस्टम बता दिया, सैनिटेशन यहां पे प्रॉपर तरीके से देखने को आपको मिल रहा है, जाने के जो पानी का निकास है वो यहां पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी घर से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलते हैं, जैसे हम घर के बाहर, जैसे नॉर्मल शहरों में अगर हम बात करें घर के बाहर वो एग्जिट के लिए नालियां जिसे हम कहते हैं वो बनी होती हैं, तो यहां पे भी जो है ये प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन की चीजें देखने को हमें मिलती है। और ये जो शहर है वॉल से प्रोटेक्टेड होते थे, यानी कि शहर में अंदर आने के लिए एक किला सा बनाया होता था, सो वॉल से ये प्रोटेक्टेड होते थे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। समझ आया? क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात करते हैं यहां पे किस चीज की बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं अब इनके काम की, यानी कि लोगों की। तो यहां पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा मेन देखने को हमें मिलता था। देखिए अर्बनाइज्ड पीपल तो थे, बिजनेस तो करते थे, ट्रेड तो करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहां पे एग्रीकल्चर भी किया जाता था। और एग्रीकल्चर में मेनली दो फसलें उगाई जाती थी, वीट और बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ उगाई जाती थी, ये दो फसलें मेन थी। इसके अलावा राइस के हमें साइंस देखने को मिले हैं, बहुत सारी फसलें और भी देखने को हमें मिल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टी एथनिक, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, द्रविडियन, ऑस्ट्रोलाइड्स, इस तरीके के जो हैं, और निग्रेटिक रेस, ये सब देखने को हमें मिले हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेस, डिफरेंट डिफरेंट जाति हमें देखने को मिली है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड देखने को मिले हैं, द्रविडियन देखने को मिले हैं, और जो है मंगोलॉइड्स देखने को मिले हैं, निग्रोटिक रेस, हाँ ये रेस देखने को हमें मिली है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। और यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे जो सिस्टम है लोगों का, प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस भी कर रहे हैं, शहर में भी है, और प्लस जो है एग्रीकल्चर की एक्टिविटी भी देखने को आपको मिल रही है यहाँ पे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे विमेन की पोजीशन जो है बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी, मतलब हाई क्लास रखी जा रही है यहाँ पे। क्लियर, क्यों रखी जा रही है? क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है मदर गॉडेस की पूजा करी जाती थी। किसकी? मदर गॉडेस की पूजा करी जाती थी, तो ऑब्वियसली बात है मातृ देवी की जब पूजा कर रहे हैं तो विमेन की पोजीशन तो हाई देखने को हमें मिलेगी यहाँ पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस जी। और अब बात करते हैं यहां पे पशुओं की, तो पशु सारे हैं यहां पे, क्लियर। हम्ड बुल जो है आपका, हम्ड बुल जो है ये हमें देखने को मिलता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुब्बड़ वाला सांड जिसे हम कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता था। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। बाकी बुफेलो है, गोट है, शीप है, क्लियर। हॉर्स के साइन हमें देखने को मिले हैं, घोड़े के साइन हमें देखने को मिले हैं कहां पे? सुरकोतदा में।
सुरकोतदा में हमें घोड़े के साइन देखने को मिले हैं, बाकी यही स्पीशीज देखने को हमें मिली है मेनली। एलिफेंट्स भी हैं, राइनो भी हैं। अगर आपको याद होगा कि जैसे मैंने आपको बताया विमेन की पोजीशन यहाँ पे ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करी जाती है, तो यहाँ पे मेल गॉड की भी पूजा करी जाती है। किसकी? दैट इज पशुपति महादेव। पशुपति महादेव जो आजकल के हमारे क्या है, शिव भगवान है। तो पशुपति महादेव की अगर मैं बात करूं तो इनके सराउंडिंग में भी एनिमल्स हैं, बफेलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, दो पैरों में डियर, हिरन देखने को हमें मिलते हैं। तो पशुपति महादेव जी के अराउंड भी जो है यहाँ पे एनिमल्स देखने को हमें मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। सो यहाँ पे देखिए जी, ये है पशुपति महादेव की सील। तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, तो सराउंडिंग में एनिमल्स देखने को आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। यस, समझ आ गया भोलेनाथ? यस यस भोलेनाथ, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये देखो जी, ये हाथी देखने को मिल रहे हैं, कुबड़ वाला सांड देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की सील्स भी हमें देखने को आपको यहां पे मिली हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो फसलें हो रही हैं वो गेहूं और जौ की, वीट और बार्ले की मेन फसल हो रही है, लेकिन यहां पे जो बार्ले है, जो जौ है, वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है बानावली में, क्लियर। ये जगह का नाम है बानावली। और एक है राइस, राइस के साइंस हमें कहां पे मिले हैं, लोथल में देखने को हमें मिले हैं, लोथल में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं यहां पे, हमने घर बार पढ़ लिया, खेती वगैरह पढ़ ली, अब बात करते हैं यहां पे इरिगेशन था, सिंचाई वगैरह होती थी, बिल्कुल सिंचाई होती थी। यहां पे एक्सटेंसिव वाटर सिस्टम देखने को मिलता था। एक्सटेंसिव वाटर सिस्टम का मतलब यह है कि पानी वगैरह यहां पे देखने को हमें मिलता था, और वो जो देखने को मिला था दैट इज एट द धोलावीरा साइट गुजरात में, क्लियर। धोलावीरा साइट गुजरात में हमें देखने को मिला था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। जस्ट ए सेकेंड। सो धोलावीरा गुजरात में हमें ये सब चीजें देखने को मिली हैं। जस्ट ए सेकेंड, हाँ होल्ड रखना। चलिए, सो धोलावीरा गुजरात में हमें ये सब चीजें देखने को आपको मिली हैं। तो दैट मींस लोग यहां पे जो है पानी को प्रिजर्व वगैरह भी करते थे। सो आपको चीज दिखाना चाहूंगा मैं। सो देखिए जी, ये है आपका वाटर एक्सटेंसिव सिस्टम, यहाँ पे पानी वगैरह स्टोर करके रखा जाता था। धोलावीरा में इस तरीके का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे देखने को हमें मिला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बात करते हैं, जब मैंने आपसे बात करी थी ट्रेड की, बिजनेस कर रहे हैं ये, तो मैंने आपको बोला था बिजनेस कर रहे हैं तो बाहर के देशों के साथ कर रहे हैं। मेनली बिजनेस कहां पे किया जा रहा है आपका? मिसोपोटामिया के साथ, ठीक है। मिसोपोटामिया जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, इराक कहते हैं, और जो है पर्शियन के साथ दैट इज ईरान में, यहां पे बिजनेस किया जा रहा है यहां पे। सो दैट मींस यहां पे ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, क्लियर हो गया आप लोगों को। और यहां पे एक शहर दूसरे शहर से मिल रहा है रिवर्स के साथ, क्योंकि सारी सिविलाइजेशन जो है रिवर्स के सराउंडिंग में देखने को हमें मिल रही है। इंडस हो, सिंध रिवर हो, इंडस मतलब सिंधु रिवर हो, चाहे आपकी सरस्वती रिवर हो, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी उसकी ट्रिब्यूटरी हो, वहां पे हमें देखने को मिल रही है। अब बात यहां पे ये आती है, जब हम बात करते हैं यहां पे ट्रेड की, मिसोपोटामिया में हमारी जो इंडस वैली की सील्स हैं वो भी हमें देखने को मिली हैं आपके मिसोपोटामिया में। मिसोपोटामिया को और क्या कहते थे, सुमेरियंस कहा जाता था। और ये सुमेरियंस कौन बोलते थे? इंडस वैली पीपल वाले लोग, हमारे, हम लोग इनको बोलते थे सुमेरियंस। और मिसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोला गया है? मेलुहा नाम से बोला गया है। That is, मेलुहा नाम से बोला गया है। तो ये भी चीज हमें देखने को हमें मिली। तो दैट मीन्स ये एविडेंस है कि हमारा ट्रेड, हमारा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता था। और यहाँ पे जो वेट वगैरह यूज करते थे, यानी कि भार, वेट्स वगैरह, जैसे हम कहते हैं ना 1 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे ही वेट जो है यहाँ पे 16 के मल्टीपल में हमें देखने को मिले, 16 के मल्टीपल में, 16, 32, 64, इस तरीके से। लेकिन हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते वो ग्राम थे या क्या थे, बट इतना पता होना चाहिए कि वो जो है आपके क्या थे, 16 के मल्टीपल में देखने को हमें मिल रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इसकी स्क्रिप्ट है वो कैसी है, तो देख लो ये ऐसे वर्ड दिखने को मिलते थे। सो दैट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जो है बोस्टोफिडोन स्क्रिप्ट।
क्लियर। तो फिर हम इससे पता कैसे करते हैं, हम इससे पता कैसे करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके की चीजें देखने को हमें मिली थी। सो दैट इज द, ये देखो सील्स देखने को मिल रही हैं। सो यहां पे देखिए एलिफेंट सील देखने को मिली और यहां पे जो है आपका हम्ड बुल की सील देखने को हमें मिली। तो हम पता करते कैसे हैं, पिक्टोग्राफिक, दैट मींस यहां पे पिक्चर से देख के पता कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके का कुछ हुआ होगा कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। समझ आया आप लोगों को जी? यस, क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की। जो यहां पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्या होता था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट देखिए यहां पे जो है हर चीज यूज होती थी, सोना चांदी एनीथिंग कुछ भी यूज करते थे यहां पे। जिस तरीके के आजकल, मैं वैसे कमेंट नहीं करना चाहता बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, आप देखते हैं सोसाइटी में जैसे आजकल जो है गर्ल्स फैशन है, जैसे वही लिपस्टिक कलर्स एंड ऑल, मेरे को पता नहीं भाई क्या क्या होता है ये चीजें, बट अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं और ये सब चीजें यूज करती हैं, गर्ल्स यूज करती हैं। तो यहां पे भी विमेन सब चीजों का इस्तेमाल करती थी, तो मतलब हाईली फैशनेबल यहां पे सोसाइटी देखने को हमें मिल रही थी। कहां पे? दैट इज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यहां पे टेराकोटा के जो है टॉयज वगैरह भी देखने को हमें मिले, टेराकोटा के टॉयज वगैरह भी देखने को हमें मिले यहां पे, क्लियर। और यहां पे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आपका गोल्ड वगैरह यूज होता था, गोल्ड वगैरह हम कहां से ले आते थे, कोलार माइन से। कोलार माइंस कहां पे हैं, ये आपकी कर्नाटका में है, यहां वगैरह से हम जो है गोल्ड वगैरह को लेके आते थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे एक है क्या, पोटरी, पोटरी का इस्तेमाल करते थे। पोटरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो मिट्टी के बर्तन जो है हाईली डेकोरेटेड होते थे यहां पे, हाईली डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, और वो उस चीज को हम क्या कहते थे, कलर्ड पोटरी। कलर्ड पोटरी जो है हमें कहां पे देखने को मिली थी, दैट इज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत देखने को हमें मिली थी, क्लियर। सो ये आपको चीजें देखने को मिली हैं। सो इस तरीके की पिक्चर जो छोड़ो बाद में दिखाएंगे। तो यहां पे देखिए जी, यहां पे टेराकोटा फिगर्स देखने को मिल रही हैं हड़प्पा से, यहां पे हड़प्पा के बर्तन वगैरह देख लीजिए, पोटरी वगैरह का इस्तेमाल। ये देखिए जी, आज जैसे मैंने कहा था ना कि जो फैशनेबल है चीजें हैं वो यहां पे देखो किस तरीके के फैशन वाली चीजें ये गर्ल्स पहनती थी, लड़के पहनते थे, क्लियर। अंगूठियां वगैरह यहां सब चीजें जो आजकल फैशन चल रहा है, लड़के यहां सब कुछ कर रहे हैं, लड़कियां सब कुछ कर रहे हैं, 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 यहां पे भी सब कुछ हो रहा था, ठीक है। सो दैट मींस यहां पे जो है ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब हाईली फैशनेबल सोसाइटी। हाईली फैशनेबल सोसाइटी का मतलब ये है कि हर चीज का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है, मतलब आप लोग जो है गारमेंट्स से लेके जो है ऑर्नामेंट्स की बात कर लें, एनीथिंग। सो सब चीजें जो है यहां पे देखने को मिल रही थी जी। समझ आया, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की बात करते हैं। धर्म यहां पे क्या था, यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे कोई टेंपल की कोई बात नहीं हुई हुई, यहां पे टेंपल की कोई बात नहीं हुई, यहां पे बात किस चीज की हुई है, नेचर की। नेचर की पूजा कर रहे हैं, पीपल ट्री की पूजा कर रहे हैं। जो आजकल भी हम पीपल को पूजते हैं, पीपल पेड़ को पूजते हैं, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया हुआ है, ध्यान रखना। रिलीजन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया मेल गॉड की बात करते हैं तो हम पशुपति महादेव को जो है यहाँ पे मूर्ति बना के, उसका मतलब जो है एक फिगर बना के जो है हम उसको पूजते हैं, क्लियर, पशुपति महादेव को। इवन लिंगम जो है इसकी पूजा करी जाती है, और जो है मदर गॉडेस की पूजा करी जाती है, मदर गॉडेस की यूनिवर्शिप यहां पे देखने को मिलता है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, यहां पे अग्नि कुंड भी मिले हैं। तो मतलब क्या हो गया, यहां पे जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, वहां पे भी चीजें देखने को मिल रही हैं, दैट मींस फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स कहां पे देखने को मिले हैं, कालीबंगन में, कालीबंगन में, क्लियर, लोथल में। सो यहां पे देखने को मिल रहे हैं। जब मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है बाहर भी ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट मींस लोथल वाले जो लोग हैं, सो लोथल जो है गुजरात में है, ये आपका क्या है, पोर्ट सिटी देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो इट मींस लोथल क्या है यहां पे, पोर्ट सिटी, बिजनेस कर रहे हैं तो पोर्ट सिटी यहां पे देखने को हमें मिलेगी, क्लियर। सो यहां पे आपको देखने को मिल रही है ये चीजें। यहां पे देखिए जी, ये टेराकोटा फिगर्स हैं, बियर्डेड मैन की पिक्चर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की मूर्तियां जो है यहां पे बनाई जाती थी, पता होना चाहिए आपको, क्लियर। यस, डॉकयार्ड देखने को मिला है, बिल्कुल देखने को मिला है, ठीक है। एक बार मैं सेल चेंज कर लूं, एक बार सेल चेंज कर लूं, तब तक आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और मैं बता दिखाऊंगा आपको कौन सा सेल यूज करते हैं, मतलब मैं कौन सा सेल यूज करता हूं। इट्स चॉइस ड्यूरासेल। चलिए जी, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहां पे सब चीजों की बात कर ली, तो यहां पे लोगों की डेथ भी होगी, बिल्कुल होगी, तो उसमें क्रीमेशन भी होगा। यहां पे क्रीमेशन करते थे, यानी कि लोगों को जला भी देते थे, दफना भी देते थे। मोस्ट कॉमन जो होता था क्रीमेशन होता था, लेकिन बरियल भी देखने को आपको मिला है, यानी कि दफनाने वाली चीजें भी आपको देखने को मिली है यहां पे। या तो कंप्लीट बरियल कर देते थे, यानी कि पूरा का पूरा दफना दिया, या फिर पार्शियल, आधा जला के आधा वो कर दिया, ठीक है। पेयर्ड बरियल भी देखने को आपको मिला है, मतलब दो लोग जो हैं एक साथ, ये दो लोग एक साथ जो पेयर्ड बरियल देखने को मिला है लोथल में देखने को मिला है। इवन एक साइट रोपड़ है पंजाब में, वहां पे जो मैन विद द डॉग, ये चीज भी हमें देखने को मिली है रोपड़ में। तो दैट मींस ये सब चीजें हमें कहां से देखने को मिल रही है, दैट इज ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत देखने को हमें मिल रही है। क्लियर? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ द पॉइंट्स आर जो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो पेपर में आती हैं, कहां से हमें क्या क्या देखने को मिला है वो याद करना है हमने। सो मोहनजोदारो को हम क्या कहते हैं, माउंड ऑफ द डेड कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। यहां पे सारे लोग मर गए, मृतकों का टीला यहां पे बन गया, और इसको हम और क्या कहते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध भी कहा जाता है। अब ओएसिस का मतलब क्या होता है, किसी बंजर जगह के ऊपर कुछ पानी नजर आ जाए तो उसे हम ओएसिस कहते हैं। सो दैट्स व्हाई सिंध के अंदर एक उपजाऊ भूमि कौन सी थी, मोहनजोदारो थी। सो इंडस रिवर सिंध रिवर के किनारे पे देखने को हमें मिलता है। ग्रेट बात मैंने आपको बता दिया था, ग्रेट ग्रीनरी मैंने आपको बता दिया था, यहां पे असेंबली हॉल है, यहां पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की इमेज देखने को मिली है, पशुपति महादेव की सील देखने को मिली है, बीडेड मैन की पिक्चर हमें देखने को मिली है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जो है मोहनजोदारो के पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। सो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट बात, डांसिंग गर्ल की इमेज, पशुपति महादेव की सील, क्लियर, बीडेड मैन की पिक्चर, ये सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज हड़प्पा। हड़प्पा में ये टेराकोटा टॉयज देखने को हमें मिले हैं जो मैंने आपको बताए थे। क्लियर? ये पहली साइट डिस्कवर करी गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और रिवर रावी के किनारे पे देखने को मिली, आजकल पाकिस्तान में है ये जगह। यहां पे ग्रेनरी आउटसाइड द सिटाडल देखने को मिली, यहां पे ग्रेट ग्रेनरी नहीं देखने को मिलेगी, यहां पे हम लिखेंगे इट्स नॉट ग्रेट ग्रेनरी, सिक्स ग्रेनरीज इन ए रो, छह ग्रेनरीज जो है एक रो में हमें देखने को मिली है यहां पे। सिक्स ग्रेनरीज इन ए रो कहां पे देखने को मिली, हड़प्पा के अंतर्गत देखने को हमें मिली। और यहां पे जो दफनाते हैं वो पार्शियल एंड कॉफिन बरियल, मतलब एक कॉफिन में डाल के उसको दफनाया जाता है यहां पे। और यहां पे टेराकोटा बुलक कार्ट्स देखने को हमें मिल रही है, यहां पे ये पिक्चर्स देखने को मिल रही है, टेराकोटा टॉयज देखने को हमें मिल रहे हैं। यस, पॉइंट समझ आया? सो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज द कालीबंगन। कालीबंगन में हमें जोते हुए खेत के मैदान, जोते हुए खेत के मैदान का मतलब क्या है, वहां पे जो जैसे हल वगैरह चला जाता है ना, उस तरीके की चीजें हमें देखने को हमें मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अग्निकुंड भी देखने को मिले, तो डेट मीन्स यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी किए जाते थे, यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया जाता था। और यहाँ पे एनिमल बोन्स देखने को मिलती है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था इन चीजों का। सो ये कहाँ पे देखने को मिल रही है, कालीबंगन घग्गर रिवर के किनारे पे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। यहाँ पे प्लॉट फील्ड देखने को मिल रहे हैं, जोते हुए मैदान, फायर ऑल्टर्स, एनिमल बोन्स शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइस। सो ऑल दीज आर इन द कालीबंगन साइट में। सो ये देखिए जी, तो इस तरीके से दफना दिया जाता है और सब चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इज द राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। राखी गढ़ी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, हरियाणा में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक की सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी गढ़ी है। इससे पहले मोहनजोदारो देखने को हमें मिल रही थी, अब मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट नहीं है, अब सबसे बड़ी साइट कौन सी है, दैट इज राखी गढ़ी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये हमें घग्गर रिवर हिसार हरियाणा में देखने को मिली है। यहां पे और भी बहुत सारी चीजें जो है आपकी स्टडी चली आ रही है, यहां पे बहुत सारे स्केल्टन्स वगैरह हमें देखने को हमें मिले थे। क्लियर हो गया आप लोगों को जी?
जी यहां पे अग्निकुंड भी देखने को मिले हैं, ग्रीनरी भी हमें देखने को मिली है, ये सब चीजें हमें यहां पे देखने को मिली हैं, दैट इज इन द राखी घड़ी के अंतर्गत। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं, तो आपसे पता लग जाएगा कितनी डेवलप्ड सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रॉपर तरीके से जो है नक्शे वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्लियर, ये याद रखना। नेक्स्ट इज द पार्ट इज द लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ट्रेड होता था, पोर्ट सिटी थी, फायर ऑल्टर्स हमने पढ़ लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डॉकयार्ड है, यानी कि जो शिप वगैरह होते थे यहाँ पे आके रेस्ट करते थे यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर। क्लियर हो गया आप लोगों को। और यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को हमें मिल रही है, जो बीड्स होते हैं ना, जो मोती वगैरह होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमें जो है पर्शियन सील देखने को मिली, जिससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है और गुजरात में है, गल्फ ऑफ खंबात के पास बोगवा रिवर के किनारे के ऊपर ये देखने को हमें मिल रहा है। सो अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो शिप है यहाँ पे रेस्ट करते थे, सो दिस इज कॉल्ड डॉकयार्ड। डॉकयार्ड देखने को मिलता था हमें ये, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ट्रेड होता था, ये देखो जो किश्तियां वगैरह हैं किस तरीके से आपकी घरों के पास हैं, तो डेट मीन्स यहाँ पे ट्रेड होता था, बिजनेस होता था। और यहाँ पे देखिए समुद्र से आया और यहाँ पे आके ये खड़े हो गए, और यहाँ पे क्या है, इधर घर वगैरह बने हुए हैं। सो डेट मीन्स यहाँ पे शिप रेस्ट करते थे, डॉकयार्ड यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट इज द धोलावीरा एंड सुरकोतदा। धोलावीरा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था हाईली जो है वाटर सिस्टम मैनेज था, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था। और सुरकोतदा में हमने बात करी थी, हॉर्स के एविडेंसेस हमें देखने को हमें मिले हैं। सो यहाँ पे देखिए जी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमें ये देखने को हमें मिला है, सुरकोतदा में जो बोन्स ऑफ द हॉर्सेस मिली हैं, धोलावीरा में बहुत बड़ा जो है आपका रिजर्वायर देखने को हमें मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट इज अ सुक्ता गेंदोर। सुक्ता गेंदोर जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और ये जो है बलूचिस्तान में देखने को हमें मिलती है, द पोर्ट सिटी ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को जी। बात करते हैं चन्नूधारों की। चन्नूधारों में अगर मैं बात करूं, एक ऐसा शहर जहां पे कोई सिटैडल नहीं देखने को मिला। सिटैडल मैंने आपको बताया था अपर सोसाइटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी, जहां पे बीच में डिवीजन होती थी, तो यहां पे कोई भी डिवीजन हमें देखने को हमें नहीं मिला। और यहां पे जो है आपके सील्स, टॉयज, सब चीजें देखने को आपको मिली हैं चन्नूधारों में। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। तो ये बात करते हैं, नो सिटैडल एट ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोपड़ में आपकी पंजाब साइट है, जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे डॉग विद द मैन बरी किया गया है। कोटदीजी सिंध के पास रिवर है। आलमगीरपुर नियर मेरठ यूपी, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट आपको देखने को मिलती है, सबसे पूर्व वाली, पूर्व होगा ना उत्तर, हाँ पूर्व वाली, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट साइट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द डेक्लाइन का रीजन क्या था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी डेक्लाइन हुई, खत्म कैसे हुई, खत्म होने का रीजन सिर्फ ये बोला जाता है कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपके फ्लड्स आ जाए, या फिर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो गई आपकी, क्लियर, और फूड स्कैरसिटी के कारण हो गया, और कोई भी परमानेंट इरिगेशन का सिस्टम यहां पे कुछ भी नहीं था, आयरन का अटैक बोल देते हैं, तो हमें नहीं पता कि किस कारण हुआ है। बट हम जो मोस्टली इंपॉर्टेंट मानते हैं इकोलॉजिकल इंबैलेंसेस को मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, इसी कारण वहां पे क्या हुआ आपका जो है डेक्लाइन देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो ऑल दीज आर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मैंने आपको एक होलिस्टिक अप्रोच बता दी है कि कैसे हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर आप इसको डिटेल में और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर और भी आप एमसीक्यू की तरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो दोनों मेरे पेड कोर्स आपके सामने हैं। अगर आप इसी तरीके से थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, हर टॉपिक, हर चैप्टर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का ऐसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा बैच ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच आप ले सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है यहाँ पे, तो इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको एमसीक्यू के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप मेरा 10,000 एमसीक्यू कोर्स ले सकते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आपने इस चीज को ओपन किया, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला, तो आपको मेरा कोर्स नजर आ जाएगा, लाइव जनरल अवेयरनेस का कोर्स नजर आ जाएगा, क्लिक करना और आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10,000 डाल देना, तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा ऐसे, तो आप इसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। फिर भी समझ ना आया, तो आपको करना क्या है, सीधा आना बेस्ट सेलिंग कोर्स में, इसमें यहाँ पे व्यू ऑल कर देना, यहाँ पे बटन दबाना, तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएंगे दोनों, तब भी आप इसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे सारे अपडेट होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर,
ठीक है। सो यहां पे आप मेरे से ज्वाइन करें, सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह यहां पे मैं शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप मुझे यहां पे पूछ सकते हैं। क्लियर? सो अगर आपका कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस, एनी डाउट? अरे यार मैम, वो थोड़ा पढ़ाऊंगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, थोड़ा सा तो हमें फास्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हमें समझना पड़ेगा। तुम लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं मैं, अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एनी डाउट? ठीक है, चलिए गाइस, और टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना, रिवाइज कर लेना दोबारा से, ठीक है। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।